गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाईसीकरण के बारे में, ठीक है, कि बाईसीकरण क्या होता है। तो देखो, ट्रांजिस्टर का जब हम प्रचालन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ट्रांजिस्टर को जब हम काम में लेते हैं, तो उसकी क्या करनी होती है, हमें बाईसिंग करनी होती है, अग्र बायस करना होता है, पश्च बायस करना होता है। तो देखो, ट्रांजिस्टर का जो प्रचालन हम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो कौन से रीजन में करते हैं, एक्टिव रीजन में करते हैं। एक्टिव रीजन यानी कि किस में, सक्रिय क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था सक्रिय क्षेत्र की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है ई यानी एमिटर उत्सर्जक, एक होता है बी यानी बेस आधार, और एक होता है हमारे पास सी संग्राहक यानी कि कलेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास ई है, ये बी है, तो ये जो संधि होती है ये कौन सी संधि कहलाती है, ई बी संधि यानी कि एमीटर बेस जंक्शन कहलाता है, उत्सर्जक आधार संधि कहलाती है, एमीटर बेस जंक्शन कहलाता है। ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये जो संधि होती है वो कौन सी संधि कहलाती है, कौन सा जंक्शन कहलाता है, ये सी बी यानी कलेक्टर बेस जंक्शन यानी संग्राहक आधार संधि कहलाती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव रीजन के लिए सक्रिय क्षेत्र में ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करता है, प्रवर्धक के रूप में काम करता है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो उत्सर्जक आधार संधि है, ई बी संधि है, ई बी जंक्शन होता है, उसको हम क्या करते हैं, अग्र बायस करते हैं यानी कि फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक है, बायसिंग करते हैं ना इसकी। और जो हमारे पास सी बी होती है, संग्राहक आधार संधि होती है, कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है, उसको हम करते हैं पश बायस यानी कि क्या, रिवर्स बायस करते हैं, ठीक है। उत्सर्जक आधार संधि को तो क्या करते हैं, अग्र बायस, और संग्राहक आधार संधि को हम क्या करते हैं, पश्च बायस करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, दिष्ट वोल्टता प्रदाय, इसका मतलब होता है हम क्या काम में लेते हैं, डीसी बैटरी लेते हैं काम में, ठीक है। क्या काम में लेते हैं, हम बैटरी काम में लेते हैं, सेल काम में लेते हैं ऐसा करने के लिए, ठीक है। क्या लेते हैं, हम सेल काम में लेते हैं। अब देखो, उचित बायसीकरण करना होता है यानी कि अग्र बायस और पश्च बायस इस तरीके से हम करते हैं कि जो हमारे पास क्यू पॉइंट होता है, क्यू बिंदु होता है, ठीक है, क्यू पॉइंट होता है, क्यू बिंदु होता है, वो हमारे पास सक्रिय क्षेत्र में कार्य करे। क्यू पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं, प्रचालित करते हैं, ठीक है। तो देखो, क्यू पॉइंट जो होता है ना, वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। अगर हम कौन सा ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, कौन से विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, ज़्यादातर हम यही काम में लेते हैं, कॉमन कलेक्टर, सॉरी कॉमन एमीटर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। तो इसमें जो क्यू पॉइंट होता है, जिस पर हम ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसके लिए हम तीन बात देखते हैं, एक तो आईसी करंट, एक आईबी करंट, और एक हमारे पास वोल्टता क्या, वीसीई। आईसी आईबी वीसीई यही हमारे पास होते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्यू पॉइंट डिसाइड करते हैं, क्यू पॉइंट निर्धारित करते हैं, ताकि हम ट्रांजिस्टर को क्या कर सकें, ऑपरेट कर सकें, यानी कि उसको हम क्या कर सकें, प्रचालित कर सकें, काम में ले सकें, ठीक है। यहाँ हम किसके बारे में बात करेंगे, कॉमन एमिटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के बारे में।
तो देखो इसको अग्र बायस करना है, यहाँ आप करोगे फॉरवर्ड बायस करोगे, अग्र बायस करोगे, यहाँ आप पश्च बायस करोगे, रिवर्स बायस करोगे, तो क्या लगानी पड़ेगी आपको? बैटरी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी हमारे पास? बैटरी लगानी पड़ेगी। यानी कि हम क्या करते हैं, बायसीकरण करते हैं। ठीक है, इसको अग्र बायस करना, इसको पश्च बायस करना, इसको फॉरवर्ड बायस और इसको रिवर्स बायस करना ही क्या कहलाता है? बायसीकरण कहलाता है। ठीक है, ताकि ट्रांजिस्टर हम कौन से क्षेत्र में काम में ले सके? सक्रिय क्षेत्र में काम में ले सके, एक्टिव रीजन में काम में ले सके। क्लियर है ये बात? तो देखो ट्रांजिस्टर को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, प्रचालित कर रहे हैं ना, तो उसकी उचित बायसीकरण करनी चाहिए हमें। ठीक है, उसका जो बायसीकरण करेंगे वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में काम कर सके, काम करता रहे, वो संतृप्त क्षेत्र में ना जाए या कहीं और दूसरे क्षेत्र में ना जाए, हमेशा कौन से क्षेत्र में काम कर सके? एक्टिव रीजन में काम कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ सर्किट्स होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं बायसीकरण में। इसमें सबसे पहला जो सर्किट हम बात करते हैं वो है हमारे पास, वो है नियत बायस। नियत बायस यानी कि क्या? फिक्स्ड बायस। ये एक बायसीकरण टेक्निक है, एक व्यवस्था है ये बायसीकरण की। देखो इसमें क्या करते हैं, नियत बायस या फिक्स बायस को समझना। मैं एक ट्रांजिस्टर लेता हूँ और ये जो ट्रांजिस्टर है वो मैंने ले लिया, ये देखना पहचानना कौन सा ट्रांजिस्टर है। इसके तीन टर्मिनल हो गए, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल। क्लियर है, ये जो टर्मिनल है ना वो मैंने ले लिया नीचे की तरफ, कौन सा? ई। यहाँ जो टर्मिनल है वो मैंने ले लिया कौन सा? बी। और यहाँ जो टर्मिनल मैंने ले लिया वो कौन सा लिया है? सी। तो तीन टर्मिनल कौन से हो गए? ई, बी और सी। अब देखो मैंने डायरेक्शन यहाँ बाहर की साइड दिखा दी, यहाँ डायरेक्शन दिखा दी। जब भी हम डायरेक्शन कहाँ दिखाते हैं, बाहर की साइड दिखाते हैं, तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा ट्रांजिस्टर बन जाता है? अच्छा लगे तो ऐसा गोला सा भी बना देता हूँ मैं, सर्किल बना देता हूँ। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है हमारे पास? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है भैया, अब इसकी बायसिंग, जो सिंपलेस्ट बायसिंग होती है, सिंपल सर्किट होता है, वो क्या होता है कि ई कॉमन होता है, ई इधर भी होगा और ई क्या होगा, इधर भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये एन है, पी है और एन है, आपको रट गया होगा अभी तक इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ ना कि इसको हमें फॉरवर्ड बायस करना है, अग्र बायस करना है, बी क्या है, पी है, और पी को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, प्लस और माइनस। ये कोई बैटरी है जिसका नाम हम क्या धर देंगे? वी बी बी धर देंगे। ठीक है, ये बी है और ये ई है। सी को क्या करना होता है? रिवर्स बायस, पश बायस। एन है, एन को पश बायस करने के लिए किससे जोड़ना होता है? पॉजिटिव से, और इसको नेगेटिव से इसकी वैल्यू दे देते हैं हम वी सी सी। ये बैटरी है। अब आप कहोगे सर बी और ई के बीच में वोल्टता जो होती है ना, वोल्टेज जो होती है ना, वो वी बी ई होती है। हाँ बिल्कुल होती है, वी बी बी से ये जाएगा, यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, नेगेटिव से ये ई कनेक्ट है, तो ई और बी के बीच में जो वोल्टता होगी ना, वो वोल्टता कौन सी होगी? वी बी ई होगी। ये वी बी ई ये बता रही है कि यहाँ जैसे इसकी वैल्यू तो है 25
25 वोल्ट की है। वैसे इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जैसे यहाँ पर 0.7 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये VB, B और E के बीच में वोल्टता होती है। और ये क्या है, बैटरी है हमारे पास, क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास ये VCC है, ये हमारे पास क्या है, C है, और ये E है। तो ये प्लस तो यहाँ गया और ये माइनस यहाँ कनेक्ट है, तो सी और ई के बीच में जो वोल्टता होती है वो क्या होती है, वोल्टेज जो होती है ना वो कितनी होती है, VCE होती है। ये सिंपलेस्ट सर्किट होता है, बहुत सरल परिपथ होता है, किसका, बायसिंग का। अब देखो नियत बायसिंग में क्या करते हैं, हम इसको इजी बनाते हैं ताकि हमारे पास जो हम बायसिंग ले, क्यू पॉइंट हमारा स्टेबल रहे, जिससे हम उसको ट्रांजिस्टर को काम में ले सकें सक्रिय क्षेत्र में आराम से, तसल्ली से, है ना। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं हम, समझना ध्यान से कि ये ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास इस तरीके से लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्या, ट्रांजिस्टर। इसी का ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बदल रहा हूँ मैं दूसरे रूप में, ठीक है। क्योंकि हमें क्या, कौन सा सर्किट पढ़ना है, फिक्स बायस। नॉर्मली सर्किट ये होता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स वोल्टेज मिले, फिक्स करंट मिले, इसके लिए हम इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज कर दिया हमने दूसरे सर्किट में, है ना। तो देखो NPN ट्रांजिस्टर है भैया, NPN ही रहेगा वो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया NPN, और ये हमारे पास क्या है, B टर्मिनल है, ये हमारे पास क्या है, E टर्मिनल है, और ये हमारे पास क्या है, C टर्मिनल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं, जब एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं, यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, एक RL रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, RB रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यहाँ तो क्या लगा सकते हैं, RL, और यहाँ क्या लगा सकते हैं, हम RB रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने लगा दिया ताकि हमारे पास करंट और ये बन सके, यहाँ मैंने लगा दिया एक RL प्रतिरोध लगा दिया। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास क्या, VCC RL, ताकि यहाँ जो करंट बने, IE बाहर जा रही है तो IC जो करंट आएगी वो अंदर की ओर आएगी। यहाँ हमारे पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, कौन सा, RB प्रतिरोध होगा, RB, और यहाँ हमारे पास क्या है, बैटरी है, प्लस माइनस क्या, VBB, ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे कनेक्ट होगा। E क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, 0 वोल्ट, ठीक है। ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN, बस मैंने यहाँ पर क्या लगाए हैं, देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस ताकि धारा के लिए, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस धारा नियंत्रित करने के लिए, RL लगाया है। RL हमारे पास लोड होता है जिसके सापेक्ष हमें निर्गत वोल्टता मिलती है, यानी कि इसको हम ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है, ताकि हम वोल्टता और धारा को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके, जितनी चाहिए उतनी दे सके हम इस हिसाब से, ठीक है। अब इस सर्किट को भी हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं। देखो दूसरी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, और ये पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट क्या है, ग्राउंडेड है, यानी कि कितना वोल्ट शो कर रहे हैं, ये 0 वोल्ट शो कर रहे हैं ना, कितना शो कर रहे हैं, ये 0 वोल्ट शो कर रहे हैं। तो इस सर्किट को हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, देखना, ये हमारे पास क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है, ये बना दिया, ठीक है, ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, N ये है, P ये है, और ये N है।
ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, बी टर्मिनल हो गया, ये नीचे क्या है हमारे पास, ई टर्मिनल है, और ये ऊपर क्या है हमारे पास, सी टर्मिनल है। अब देखो, बी से एक रेजिस्टेंस है क्या आर बी, और उससे क्या जुड़ी हुई है, देखो अभी कितनी कनेक्ट है बैटरी, एक बैटरी ये कनेक्ट है, एक बैटरी ये कनेक्ट है, ठीक है। तो बी से क्या जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद क्या है, बैटरी। तो अब मैं इसको ऊपर की साइड जोड़ देता हूँ, बी से देखो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है क्या आर बी, बी से क्या कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस आर बी, और फिर क्या कनेक्ट है हमारे पास, एक बैटरी, जो नीचे था वो ऊपर जोड़ दिया, और ये नीचे क्या है, ये भी ग्राउंड है, ये भी जीरो 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 जीरो, सारे पॉइंट जीरो। तो इसको ऊपर मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड अलग से कर दिया। सी से क्या कनेक्ट है, एक आर एल कनेक्ट है, ये सी है, सी से क्या कनेक्ट है, एक आर एल कनेक्ट है, सी से क्या कनेक्ट है, एक आर एल कनेक्ट है ना, और आर एल का दूसरा सिरा वी सी सी से कनेक्ट है, ये वी सी सी है, और ये क्या है हमारे पास, ग्राउंड से कनेक्ट है। तो यानी कि हमारे पास सबसे पहले फिगर कौन सा था, ये था, ठीक है। फिर इसको हमने इसमें कनेक्ट किया, आर बी और आर एल लगा दिया, ताकि हम करंट नियंत्रित कर सकें, और आर एल क्या है, लोड पर निर्गत वोल्टता प्राप्त कर सके, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सके। तो उसके बाद हमारे पास ये सर्किट बन जाता है। अब देखो, इस सर्किट को भी मैं चेंज करके लिख सकता हूँ, कैसे, ध्यान से देखना। ये हमारे पास क्या है, एक एन पी एन, मैंने पूरा तरीका बना दिया, ये बुकों में नहीं मिलता है कि किस तरीके से बनता है ये। ये होता है ई, ये होता है हमारे पास सी, और ये होता है हमारे पास क्या, बी, ठीक है, ई सी और बी। अब देखो, यहाँ बी से ऊपर आर बी है और आर एल है, ये दोनों किससे कनेक्ट हैं, ये हमारे पास प्लस से कनेक्ट है, देखो ये आर एल, आर बी प्लस से कनेक्ट है और आर एल भी प्लस से, ये जो है ये वी बी बी बैटरी है और ये वी सी सी बैटरी है। तो मैं क्या करता हूँ, आर बी से ऊपर क्या ले लेता हूँ, एक प्रतिरोध ले लेता हूँ क्या आर बी, ऐसे ही मैं सी से ऊपर क्या ले लेता हूँ, एक प्रतिरोध ले लेता हूँ क्या आर एन, और इन दोनों को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया आर बी, ये रिया आर बी, सी से ऊपर क्या है आर एल, आर एल। अब देखो, ये जो है ना, दोनों किससे कनेक्ट है, आर बी और आर एल, एक बैटरी से, ये तो वी सी सी से और ये वी बी बी से, तो दोनों की बैटरी एक ही बना देता हूँ मैं। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ से, किस से, और मैंने उसका नाम धर दिया क्या, ये इसका नाम क्या धर दिया बैटरी का, ये ग्राउंड वी सी सी, ठीक है, ये आर एल और ये सी, तो इसका नाम क्या धर दिया मैंने, ये बैटरी, और ये, और नीचे क्या है, ग्राउंड वी सी सी, ये किससे कनेक्ट है, 0 वोल्ट से, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, छोड़ दिया। ई जो है हमारे पास वो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, ई क्या है, ऑलरेडी ग्राउंड है। ऐसा सर्किट बना लेते हैं, इसमें ई जो है कॉमन है, ई निवेशी साइड में भी लेना है हमें, और ई कहाँ लेना है, निर्गत साइड में भी लेना है, ठीक है। और आउटपुट जो हम लेते हैं, ये कौन सा टर्मिनल है हमारे पास, सी टर्मिनल, एक तार हमारे पास यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास कौन सी वोल्टता देते हैं हम, वी आई देते हैं, वी आई क्या है हमारे पास, निवेशी वोल्टता है, और यहाँ से हमारे पास कौन सी वोल्टता मिलती है, निर्गत वोल्टता मिलती है, क्लियर है ये वाली बात। फिर मैंने बताया था ट्रांजिस्टर किसके लिए काम में आता है, एम्पलीफायर के लिए काम में आता है, तो एम्पलीफायर के लिए काम में आता है, तो यानी कि ये संकेत जो होता है ना, इसका क्या करता है, प्रवर्धन करता है। तो यहाँ पर हम किसका काम में और लेते हैं,
निवेशी में संधारित कैपेसिटर पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं क्यों लगाते हैं, और ये भी हमारे पास क्या लेते हैं, कैपेसिटर लेते हैं काम में। तो ये जो परिपथ हमारे पास बनता है, ये कौन सा परिपथ बनता है, कौन सा सर्किट बनता है, फिक्स बायस सर्किट बनता है। तो आप एग्जाम के लिए सीधा ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए सीधा डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब देखो ये जो आर बी है, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी फ्लो होगी, आई बी, और यहाँ से जो ये आर सी वाला टर्मिनल है, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, आई सी करंट फ्लो होगी, ठीक है। आई सी करंट क्या होगी हमारे पास, फ्लो होगी। इस तरीके से ये सर्किट हम बना लेते हैं, और ये जो सर्किट होता है वो कौन सा सर्किट कहलाता है हमारे पास, नियत बायस सर्किट कहलाता है। तो आपको इतने सर्किट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैसे बनाते हैं वो तरीका मैंने आपको बता दिया। ये जो सर्किट होता है वो सर्किट नियत बायस सर्किट होता है। ये जो है टर्मिनल वो बी है, और ये जो है वो ई है। बी और ई के बीच में वोल्टता क्या होती है, वी बी ई होती है। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। ये कौन सा टर्मिनल होता है, सी। ये कौन सा टर्मिनल होता है, ई। सी और ई के बीच में जो वोल्टता होती है वो कौन सी होती है, वी सी ई। ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम बस क्या करते हैं, आई बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आई सी की और वी सी की। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्यू पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजिस्टर को काम में लेते हैं, प्रचालित करते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, प्रचालित करते हैं, वो इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। आर एल के लिए हम क्या, आर एल क्यों लगाया हमने, ताकि हम निर्गम प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हम आई बी की, आई सी की वैल्यू, वी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निवेश में देखते हैं, इनपुट साइड में देखते हैं। अब देखो इनपुट साइड के लिए आप इस पॉइंट से चलना, यहाँ से, ठीक है, किस पॉइंट से चलना है आप देखना। ये वी सी सी दोनों में कनेक्ट है, यहाँ से चलना। देखो ये नीचे क्या है, माइनस माइनस वी सी सी। अब ऊपर आओ, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए। अब देखो करंट बट रही है ना, क्योंकि यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ आई बी मान ली और यहाँ आई सी। अब यहाँ से आए, हम के वी एल लगाते हैं निवेशी साइड में, ऐसे चलेंगे हम यूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस वी सी सी, फिर निवेशी साइड में आए, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसके सापेक्ष वोल्टेज या वोल्टता क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि आई बी इंटू आर बी। फिर यहाँ नीचे आओ, देखो यहाँ ऐसे आओगे ना, B से कहाँ आओगे, E तक आओगे। तो B और E के बीच में वोल्टता क्या है, वी बी ई। पहले पॉजिटिव है, ऐसे आओगे तो क्या लिखोगे, प्लस वी बी ई इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या लगाया है यहाँ पर, के वी एल लगाया। यहाँ से चले माइनस वी सी सी, फिर इधर आए, के वी एल लगा रहे हैं, फिर इधर आए, आई बी इंटू क्या, आर बी, फिर इधर गए, यहाँ पॉजिटिव है वी बी ई और नीचे आ गए जीरो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ से हम आई बी इंटू आर बी बन जाएगा, आई बी इंटू आर बी इज इक्वल टू वी बी ई, आई बी इंटू आर बी। वी सी सी को बाद में ले गए, वी सी सी माइनस क्या, वी बी ई अपॉन, ठीक है। यहाँ से हम आई बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वी सी सी माइनस के वी बी ई अपॉन क्या बन जाएगी, आर बी बन जाएगी। किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, आई बी की वैल्यू। वी बी ई जो होता है ना, इसकी वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, मिली वोल्ट में ही होती है ये, तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो आई बी इज इक्वल टू वी सी सी अपॉन क्या आ जाएगा, आर बी आ जाएगा। वी सी सी जो होता है ना, वो फिक्स बैटरी होती है,
ठीक है। VCC का मान क्या होगा, फिक्स होगा 5 वोल्ट। जैसे RB प्रतिरोध है, इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। तो नियत अपॉन नियत, फिक्स अपॉन फिक्स, IB भी नियत होती है। तो IB करंट हमें इस परिपथ में क्या मिलती है, नियत रहती है। IB क्या रहती है, नियत रहती है। इस परिपथ को नी इसलिए इस सर्किट को, इस परिपथ को नियत बायस परिपथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नियत बायस परिपथ कहते हैं, फिक्स बायस सर्किट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, निर्गत में जाते हैं, आउटपुट साइड में जाते हैं। यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, KVL लगाते हैं। देखो चलना, VCC कनेक्ट है, माइनस क्या VCC, फिर इधर आए, ऐसे चल रहे हैं। अब इधर की साइड घूमेंगे और इधर नीचे आएंगे, करंट की दिशा में चलते हैं। तो कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। कुल वोल्टताओं का बीजगणित ये होगा 0, ये 0 हो जाएगा। देखो ये भी ग्राउंड से स्टार्ट किया, घूम के ग्राउंड में, तो बंद परिपथ बन जाएगा ना। तो माइनस VCC, फिर इधर आए, यहाँ क्या आएगा, IC इंटू RL, फिर इधर से हम यहाँ आए। अब C से यहाँ नीचे आएंगे हम, कहाँ, E पर। तो C और E के बीच में वोल्टता VCE पॉजिटिव है ऊपर, तो VCE इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम IC की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हम केवल VCE निकाल लेते हैं। तो VCE की जो वैल्यू बनेगी यहाँ से, ठीक है, VCE की क्या निकालेंगे हम, वैल्यू बनेगी, वो क्या बनेगी, देखो VCE की वैल्यू VCC, और इसको ले जाएंगे माइनस IC इंटू RL बन जाएगी। एक फॉर्मूला ध्यान रखना, IC इज इक्वल टू होता है बीटा इंटू IB, या IC इज इक्वल टू होता है HF इंटू IB। बीटा इज इक्वल टू होता है HFE। तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस HFE, IC की वैल्यू इंटू IB इंटू क्या, RL। ठीक है, इसके बाद देखो RL नियत होता है, फिक्स रख दें हम, IB की वैल्यू फिक्स रख दें। HFE जो होता है ना, वो हमारे पास किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है। VCC भी नियत रहता है। तो अगर HFE चेंज हो जाए ना, यानी ताप चेंज हो जाए, ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो VCE चेंज हो जाती है। और अगर VCE चेंज हो गया तो हमारे पास Q पॉइंट चेंज हो जाता है, यानी कि जिस जहां पर हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहे थे वो स्थिति हट जाती है। इसलिए जनरली हम इस सर्किट का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो हमारे पास सर्किट होता है वो कौन सा सर्किट कहलाता है, नियत बायस सर्किट कहलाता है। और ये जो टेक्निक है वो कौन सी टेक्निक ली है इसमें काम में हमने, बायसीकरण। ठीक है, तो ये हो गया नियत बायसीकरण, है ना, फिक्स बायस सर्किट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।